ये मेल मैंने 22 दिसंबर 2020 को किया था और मैंने लिखा था कि प्लीज़ हेल्प मी फीलिंग लाइक हेल्प, आई एम सफरिंग फ्रॉम साइनस इशू, आई हैड डन ऑपरेशन 2 months अगो, स्टिल फील ब्लॉक्ड, डॉक्टर रिमूव माई टर्मिनेट एंड डन सेप्टोप्लास्टी, व्हाट शुड आई डू, जस्ट हेल्प मी प्लीज़ जस्ट हेल्प मी। और ये दिसंबर महीना है 2021 का और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, पूरी चेंज। Now I can proudly say I reverse my depression, sinus, asthma, sleep paralysis and number of things. मैं सात्विक मूवमेंट के पास गया था सिर्फ एक सॉल्यूशन मांगने के लिए हेल्थ का, बट सात्विक मूवमेंट ने मेरे को पूरी जिंदगी दे दी। मेरा नाम प्रज्वल झिंगरे है और मैं 22 साल का हूँ। मेरे फैमिली में मेरे माँ पापा, मेरी छोटी बहन और मेरे ग्रैंडफादर है और मैं भिवापुर में रहता हूँ जो महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट नागपुर में है। जब मैं बचपन का था 10 साल का, तब मेरे को अस्थमा का पहला अटैक हुआ। मैं अचानक से मम्मी को बोला कि मेरे को सांस नहीं लेती जा रही, मेरा नाक बंद हो गया, मतलब अनइजीनेस फील हो रही थी तब। फिर मैं हॉस्पिटल, मेरे को मेरी मम्मा ने हॉस्पिटल लेके गई, क्या उन्होंने फिर मेरे को अस्थमा के पंप्स दिए, नेजल स्प्रे दिए जो अस्थमा को थोड़ी देर के लिए ठीक करते थे। मतलब 10 साल से लेकर 12वीं तक अस्थमा चलता रहा। मैं बता रहा हूँ कि मेरे को मंथली हॉस्पिटल में 2 times जाना पड़ता था। कैन यू इमेजिन, 2 times पर मंथ। कभी फीवर हो जाता, कभी हेडेक हो जाता, कभी अस्थमा, कभी साइनस, और मैं गोलियां ले लेके तंग आ चुका था। हमारी एक इंडस्ट्रियल विजिट थी, फिर विजिट करके आया कंपनी से, कॉटन कंपनी थी। जब सुबह उठा मैं तो मेरे को सांस लेने नहीं जा रहा था। पहले तो अस्थमा था पर इस बार इतना इंटेंस था कि पूछो मत। और फिर घर वालों ने मेरे को 2-4 हॉस्पिटल घुमाए। ऐसे हॉस्पिटल घूमते घूमते 4 या 5 महीने हो चुके थे और मेरे को मेरे रात की नींद पूरी हराम हो चुकी थी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को रोना आ रहा है अभी बताते हुए कि इतना खराब सिचुएशन था ना, पूछो मत, बहुत ही खराब। मतलब चार में भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान जी प्लीज़ मेरे को एक रात की नींद दे दो, एक रात की। मतलब रोज़ रात को मैं सो नहीं पाता था। वो बहुत ही खराब सिचुएशन थी, इतनी कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। इतनी परेशान थी इसके दर्द से, क्या पूछे बहुत। वो रात भर सोना ही नहीं, बिल्कुल अजीब बात ही नहीं, सोता ही नहीं था। वो भी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं मर रहा हूँ क्या, अभी मैं मर जाऊँगा क्या, बस वही बोलता था वो, अभी मैं मरने वाला हूँ बस। एक जन ने सजेशन किया कि उस हॉस्पिटल में जाके देखो। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, एक दूसरे वाले ENT सर्जन थे वो, तो उन्होंने बोला कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। फिर वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे मेरे ऑपरेशन बेड पे मेरे को लिटाया, तभी मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, ओ गणपति जी का। बस मैं गणपति जी का नाम ही ले रहा था कि हे भगवान प्लीज़ मेरे को इस ट्रैप से निकलना है, कुछ तो कीजिए, कुछ तो मिराकल कीजिए। जो बंदा असात्विक था, मतलब पूरा असात्विक, अनस्पिरिचुअल, जो भगवान पे को भी नहीं मानता था, आज वो भगवान, मतलब भगवान को प्रार्थना कर रहा था। और होश आने के बाद पता चला कि मेरे नाक को उन्होंने पूरा फाड़ डाला, पूरा, और इतना पेन, पूरे नाक पे पूरे बैंडेज था। फिर ऑपरेशन हो गया और 1-2 दिन बाद मैं घर आया, छुट्टी हो गई। फिर 8 दिन हो गए, डॉक्टर बोले कि 8 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, बोले सब पूरा नॉर्मल हो जाएगा बोले। पर 8 दिन का वेट किया मैंने और कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को लगा 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन नहीं तो 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा, बोला पूरा परफेक्ट, डॉक्टर ने वादा ही जो किया था। तो ठीक है बोले, 15 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 1.5 महीने हो गए भाई, और मेरी सिचुएशन वही की वही।
लाख रुपए सर्जरी को दिए और अभी तक हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए बर्बाद कर चुका ही था। को तो भाई बताती नहीं, फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी की जंग हार गई। बस यही मैंने ठान लिया था कि मैंने अपनी जिंदगी की जंग हार ली, क्योंकि ये नहीं तो हमने आज मुझे इतने बड़े बड़े किए और यहाँ तक आके ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो दर्द तो इतना होता है कि अब किसको बताए, जिस पे बुद्धि है उसी को याद आता है, ऐसा है ना। कुछ नहीं हुआ और 1.5 महीना हो गया, फिर मैं जब इवनिंग वॉक में जाता था मेरे फ्रेंड के साथ, तब उसको मैं बोल रहा था भाई सब कुछ ट्राई कर चुका मैं, थक गया अभी मैं, मेरे को सुसाइड के थॉट आ रहे, मैं पूरा डिप्रेस होते जा रहा हूँ, मेरे दिन ब दिन मेरी हिम्मत खत्म होती जा रही पूरी मेरी, मतलब कुछ नहीं बचा है मेरे अभी ज़िंदगी में, बस आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू सुसाइड, दैट्स इट। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं लैपी पे कुछ यूट्यूब पे देख रहा था, फिर मेरे को सुबह मैम का एक वीडियो दिखा, एक हार और सारे इलाज, मेरे को लगा ये क्या है, सात्विक मूवमेंट दिख रहा है और ये एक हार सारे इलाज बोल रहे, तो मैंने चालू किया वीडियो, देखा मैंने पूरा, देखा पूरा एनालिसिस किया और उनकी बातें मेरे को सच लगी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि नॉन वेज खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हेवी खाना खा रहे और उसकी वजह से हमारे शरीर में गंदगी जमा हो रही है और वो गंदगी की वजह से हमारी बॉडी ख़राब हो रही है और बीमार पड़ती जा रही है। बोला ये सच है, मैं नॉन वेजिटेरियन था, मैं गंदा खाता था, मैं जंक फूड बहुत खाता था, मैं हेवी ब्रेकफास्ट खाता था, तो मेरे को लगा ये तो मेरी ही सिचुएशन है भाई। और मैंने फिर सात्विक मूवमेंट के वेबसाइट पे गया और उनको मेल किया, ये मेल मैंने 22 दिसंबर 2020 को किया था और मैंने लिखा था कि प्लीज़ हेल्प मी फीलिंग लाइक हेल, आई एम सफरिंग फ्रॉम साइनस इशू, आई हैड डन ऑपरेशन 2 मंथ एगो, स्टिल फील ब्लॉक्ड, डॉक्टर रिमूव माई टर्मिनेट एंड डन सेप्टोप्लास्टी, व्हाट शुड आई डू, जस्ट हेल्प मी प्लीज़, जस्ट हेल्प मी। तो उनका रिप्लाई आया कि बोले कि आप जो हमारा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप है वो अटेंड कीजिए। फिर मैंने वो लिंक, मतलब उस वेबसाइट पे गया और देखा कि क्या क्या है हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप में, तो फिर हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप की प्राइस 300 रुपीज़ थी, तो मैं बोला ज़िंदगी में इतना पैसा तो खर्च कर सका हूँ, 300 रुपये क्या बड़ी चीज़ है, और ये कन्विंसिंग भी लग रहा है मेरे को, तो मैंने एनरोल कर दिया। मेरा 1 जनवरी से शेड्यूल था, जो बंदा 10 बजे सोकर उठता था, आज वो 4 बजे उठने लगा। फिर उसके बाद वेट पैक लगाना पहले, तो फिर उसके बाद एनिमा, क्योंकि एनिमा के पहले वेट पैक लगाना पड़ता है, कोई भी 1-2 घंटा अच्छी स्पिरिचुअल और सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ता था। 9 बजे मैं एशगार्ड जूस, कोकोनट वाटर या फिर कोई भी जो सीजनल वेजिटेबल्स होती है उसका जूस, स्टार्टिंग में तो एशगार्ड मेरे को पता भी नहीं था क्या था, बट दिस टाइम आई ग्रो 50 एशगार्ड्स ऑन माई टेरेस। जो बंदा पोहा खाता था नाश्ते में, वो हेवी चीज़ें खाता था, समोसा, तला हुआ, तले हुए चीज़ें, पिज़्ज़ा एंड ऑल, इतना बहुत गंद खा चुका था मैं कि पूछो मत। आज वो बंदा फ्रेश फ्रूट्स खाने लगा, मतलब देखो कैसी लाइफ बदलती है। फिर 2 बजे मैं सात्विक चपाती और सात्विक सब्जी लेता था, पहले दिन तो मैंने सात्विक सब्जी फेंकी थी, फेंकी थी, सब पसंद ही नहीं आई थी, पर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे चलते गए, 15 दिन के बाद मैं यूज्ड टू हो गया, जितनी भी गंदगी थी बॉडी में वो पूरी रिमूव हो गई एनिमा की वजह से, और 3 महीने में मेरा जो वेट था 20 किलो सीधा कम हो गया, इतना दुबला हो गया कि पूछो मत। पूरे घर वाले बोल रहे थे क्या कर रहा है भाई, पूरा दुबला हो गया, मरेगा क्या, किडनी कमजोर हो जाएगी, मर जाएगा तू, क्या कर रहा है, खाना खाते जा, सब रिलेटिव बोल रहे थे अब क्या भूत पाल लिया इसने नया, पर मेरे को भरोसा था भाई, क्योंकि यस आई एम, मतलब चेंज फील हो रहा था मेरे बॉडी में, लाइट फील हो रहा था, मेरे को नींद अच्छे से आने लगी थी, और 3 महीने हो चुकी थी, मैंने मतलब एक भी मेडिसिन नहीं ली थी अभी तक,
तो ऐसे 4 महीने 5 महीने 6 महीने हुए और मैं धीरे धीरे पूरा परफेक्ट हो गया। नाउ आई कैन प्राउडली से आई रिवर्स माई डिप्रेशन, साइनस, अस्थमा, स्लीप पैरालिसिस, बैजिलर माइग्रेन, डिजीनेस एंड नंबर ऑफ थिंग्स। मेरे घर वाले बहुत हैप्पी है, मेरे स्पेशली मेरी मम्मा, मेरी दीदी। जब से सात्विक फॉलो करने लगा है तब से तो बिल्कुल मेडिसिन का एम भी नहीं है हमारे लाइफ में, और इसकी वजह से मेरे भी लाइफ में वी डिड इट मैन, वी डिड इट। मतलब उसने अपनी लाइफ के साथ औरों की लाइफ चेंज कर दी, मतलब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। पहले का जो प्रज्वल था इसमें और आज के प्रज्वल में बहुत सा फर्क, बता नहीं सकता इतना डिफरेंस है। ये मुझे विश्वास नहीं होता कि ये पहले वाला प्रज्वल है। मैं सात्विक मूवमेंट के पास गया था सिर्फ एक सॉल्यूशन मांगने के लिए, हेल्थ का, बट सात्विक मूवमेंट ने मेरे को पूरी जिंदगी दे दी, पूरा लाइफ ही दे दिया, पूरे लाइफ का एम दे दिया, स्पिरिचुअलिटी दी, हैप्पीनेस दी, सब कुछ दिया, मेरी फैमिली दी, मेरे को ये दुनिया देखने की, मतलब एक दुनिया देखने का चांस दे दिया। यस, मैं बोल सकता हूँ हैप्पीली कि आज जो मैं बोल रहा हूँ ये कैमरे पे, ये जो शूटिंग चल रही है ना, और ये मैं जिंदा हूँ वो सात्विक मूवमेंट की वजह से। अगर सात्विक मूवमेंट नहीं होती ना तो मैं इस दुनिया में भी नहीं होता, और मेरे को ये जो प्यारी सृष्टि है भगवान ने बनाई मेरे को देखने को नहीं मिलती। मतलब मेरी जो लाइफ है ना, आपको क्रेडिट, जो भी जिंदगी में बनूंगा मैं, जो आप लाइफ में फ्यूचर में, वो पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा, पूरा क्रेडिट, होल एंड सोल। आई एम टॉकिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, माई लाइफ इज ऑल अबाउट सात्विक मूवमेंट। यस, बिकॉज यू गिव मी चांस टू लिव द लाइफ। अगर आप वही वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं जो प्रज्वल ने की थी तो यहाँ क्लिक करें। इस वर्कशॉप को अटेंड करके आप वो सारे स्टेप्स सीख पाएंगे जिससे आप अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे।